नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT कक्षा 12 की विशेष हिंदी की जो अंतरा भाग दो पुस्तिका है उसका अध्याय नंबर 1 प्रस्तुति कर रहे हैं। इस कविता के जो रचयिता हैं, जो कवि हैं, वो है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 को होता है और 1937 ईस्वी को इनकी मृत्यु होती है। इनका जन्म काशी में होता है। विद्यालय शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक वो प्राप्त कर सके, किंतु स्वाध्याय मतलब खुद की मेहनत से उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं तथा साहित्य का गहन अध्ययन किया। स्वाध्याय है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है, स्व धन अध्याय, तो इसमें व इस व का ए और आगे ए दोनों ए मिलकर आवन जाता है। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के वे प्रकांड विद्वान माने जाते थे। प्रसाद जी अत्यंत सौम्य, शांत एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे परनिंदा व आत्म स्तुति दोनों से सदा दूर रहते थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मूलतः वे कवि थे, लेकिन उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाओं का सृजन किया है। प्रसाद साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है। संपूर्ण साहित्य में, विशेषकर नाटकों में, प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने यह काम किया है। उनकी कविताओं, कहानियों में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की झलक मिलती है। प्रसाद ने कविता के साथ नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, ये इनके नाटक हैं। कंकाल, तितली, इरावती, ये इनके उपन्यास हैं। इरावती उपन्यास जो है वो अधूरा है। आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप, ये इनके कहानी संग्रह हैं। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये निबंध संग्रह हैं। झरना, आंसू, लहर, कमायनी, कानन कुसुम और प्रेम पथिक, ये इनकी कविताएं मानी जाती है। इस अध्याय में प्रसाद जी ने देवसेना का गीत व स्कंद जो देवसेना का गीत है वो स्कंद गुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। हूणों के आक्रमण से आर्यावर्त संकट में है। बंधु वर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों को वीरगति प्राप्त हुई है। बची हुई देवसेना भाई के सपनों को साकार करने के लिए और राष्ट्र सेवा का व्रत लिए हुए है। जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी, किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया का स्वप्न देखते थे। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है, किंतु देवसेना तब तक वृद्ध प्रणदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती है और महादेवी की समाधि परिष्कृत करती है। स्कंदगुप्त के अनुनय विनय पर जब वह तैयार नहीं होती तो स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है। इधर देवसेना कहती है, हृदय की कोमल कल्पना सो जा, जीवन में जितनी संभावना नहीं है, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है? आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूँ। तब तो वह गीत गाती है, आह वेदना मिली विदाई। और इसी अध्याय में उनकी दूसरी कविता है देवसेना का गीत। कविता में देवसेना अपने जीवन का दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभव में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद कर रही है। जीवन के इस मोड़ पर अर्थात जीवन संध्या की बेला में वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को याद कर रही है। वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को भ्रमवश
किए गए कर्मों की श्रेणी में रख रही है, और उस समय की गई नादानियों के पश्चाताप स्वरूप उसकी आंखों में आंसुओं की अजस्र धारा बहती जा रही है। अपने आसपास उसे सबकी प्यासी निगाहें ही दिखाई पड़ती हैं, और वह स्वयं को इनसे बचाने की कोशिश करती है, फिर भी जो उनके जीवन की पूंजी है, सारी कमाई है, वह उसे बचा नहीं सकी। यही विडंबना है, यही वेदना है। प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है। वह अपनी द्रुतमान दुर्बलताओं और हारने की निश्चिंता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती रही। गीत के शिल्प में रची गई यह कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को भी व्यक्त करती है। अब हम इस कविता में वे कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। संचित, एकत्रित, मधुकरियों, भिक्षा, नीरवता, खामोशी, अनंत, अंतहीन या न रुकने वाले, श्रमित, परिश्रम करके थका हुआ, विपिन, जंगल या वन, निंदी, नींद से भरी हुई, श्रुति, सुनने की क्रिया, विहाग, अर्धरात्रि में गाया जाने वाला राग, श्री कृष्ण तृष्णा के साथ, दीठ दृष्टि। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई, छल छल थे संध्या के श्रम कर्ण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि आज जीवन के इस अंतिम समय में प्रेम निवेदन ठुकराना बहुत कष्ट देने वाली बात है। प्रेम के भ्रम में उसने अपने जीवन भर की अभिलाषाओं को भीख की भांति लुटा दिया है। देवसेना के दुख से दुखी होकर यह शादी आंसू बहा रही है। वह जीवन के दुखों से लड़ते लड़ते थक गई है। उसकी पूरी जीवन यात्रा में सिर्फ अकेलापन ही उसका एकमात्र साथी है। श्रमित सौपन की मधुमाया में, गहन विपिन की तरुछाया में, पथिक ओनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई, लगी सतृष्ण देर थे सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि देवसेना अपने बीते पलों को याद करती है और सोचती है कि जब उसने प्रेम को पाने के लिए अनेक प्रयास किए परंतु वह सफल नहीं हुई, अभी भी प्यार पाने की इच्छा जाग उठती है। घने जंगल में वृक्षों की छाया में अचानक किसी मुसाफिर ने उसे विहाग राग नींद भरे स्वर में सुना दिया, तब से उसका हृदय परेशान है। इसका भाव यह है कि यौवन के आनंदमय क्षणों में उसे अचानक अपने मित्र से बिछड़ना पड़ा। इसके प्रिय ने उसे ठुकरा दिया था और अब जीवन के आखिरी पड़ाव में फिर कोई प्रेम भरा राग सुना रहा है। देवसेना कहती हैं कि अपने लोग उसकी ओर प्यासी नज़रों से देख रहे थे, उसे पाना चाहते थे, परंतु वहाँ अपने को उनकी आंखों से बचाए हुए थी मेरी आशा पगली थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। देवसेना ने नाटक के अंत में स्वयं स्कंदगुप्त का प्रेम निवेदन टुकड़ा दिया था। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पदबल पर उसने सारी होड़ लगाई, लोटा लो यह अपनी थाती मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की
लाज गवाई। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि देवसेना कहती है कि मेरे कमजोर कदमों के साथ प्रलय भी मेरे जीवन रथ पर चढ़कर अपने रास्ते पर बढ़ता जा रहा है। इसका भाव यह है कि मेरा हर कदम मेरे जीवन को सर्वनाश की ओर ले जा रहा है। मेरे कदम उससे मुकाबला करते हुए बढ़ते जा रहे हैं। वो कहती है कि मेरे कदम स्वयं सर्वनाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं और कमज़ोर कदमों से उससे आगे निकल जाने की होड़ में मेरी हार निश्चित है। फिर भी मैं उससे व्यर्थ मुकाबला कर रही हूँ। मैं प्रलय को पराजित नहीं कर सकती। अत्यंत निराश और पराजित देवसेना कहती है कि हे प्रभु, अपनी यह अमानत अर्थात यह जीवन जो आपने मुझे अमानत के रूप में कुछ समय के लिए दिया था, इसे वापस ले लो। आज मेरी करुणा भी विवश है, हार मान बैठी है। यह संसार कुछ भी कहे, मैं आज जीवन की रक्षा नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मेरा मन लज्जित है। अब हम जयशंकर प्रसाद की जो दूसरी कविता है, कार्नेलिया का गीत, ये प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का एक प्रसिद्ध गीत है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। सिंध के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे वो बैठी हुई है। कहती है कि सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूं जहां से मैं चली थी। यह कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। हाँ, आज वह भारतीय संस्कृति का पाठ देखूं भूल तो नहीं गई। तब वह यह गीत गाती है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा। इस गीत में हमारे देश की गौरव गाथा तथा प्राकृतिक सौंदर्य को भारतवर्ष की विविधता, विशिष्टता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया। पक्षी भी अपने प्यारे घोंसलों की कल्पना कर जिस ओर उड़ते हैं, वही यह प्यारा भारतवर्ष है। अनजान को भी सहारा देना और लहरों को भी किनारा देना हमारे देश की विशेषता रही है। सही मायने में भारत देश की यही पहचान है। इस कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ हैं। अरुण का अर्थ है लालिमा युक्त, मधुमेह मिठास से भरा हुआ क्षितिज जहाँ धरती और आकाश एक साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं। ताम्रस तांबे जैसा लाल रंग, नील घोंसला मंदिर मस्त मदिर मस्ती पैदा करने वाला रजनी रात्रि, मलय समीर दक्षिणी वायु मलय पर्वत की ओर से आने वाली सुगंधित हवा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इन पंक्तियों के माध्यम से प्रसाद जी कहते हैं कि ये हमारा भारत देश अत्यंत उत्साह से भरा हुआ है। जब इस पर सूर्य की किरणों का प्रकाश पड़ता है, तब ये और भी सुंदर लगता है। इस देश में सूर्य को ये दृश्य अत्यंत मनमोहक लगता है। यहाँ पहुंचकर अनजान क्षितिज को भी सहारा मिल जाता है। कहने का अर्थ है कि भारत में अपरिचित लोगों को यानी दूर देश से आए हुए लोगों को भी अपनापन लगता है, उसको भी यहाँ सहारा मिलता है। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुषिका मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। इन पंक्तियों के माध्यम से प्रसाद जी कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में खिले कमल तथा पेड़ों की कोमल पत्तियों का सौंदर्य मनमोह लेता है। ऐसा लगता है मानो सूर्य की किरणें कमल के पत्तों पर तथा तरुशिखा पर नृत्य कर रही हो। इस पावन धरती पर हर जगह हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है और सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं तो मानो ऐसा लगता है कि जिस हरियाली पर मंगल कुमकुम बिखर गया हो और फैल गया हो और सारी धरती पावन हो गई हो।
लघु सुधनु से पंख पसारे, शीतल मले समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मोह किए, समझ नेड़ निज प्यारा। इन पंक्तियों के माध्यम से प्रसाद जी कहते हैं कि प्रातःकालीन जो मलये पर्वत की सुगंधित शीतल हवा का सहारा लेते हुए इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे सुंदर सुंदर छोटे छोटे पंखों को फैलाकर पक्षी भी जिस ओर मोह किए उड़ते जा रहे हैं, ये वही भारत देश है। अर्थात विभिन्न संस्कृतियों के लोग भी इस देश में आकर रहना पसंद करते हैं। उनको यहाँ आकर शांति मिलती है और यहाँ के लोग उन्हें अपना भी लेते हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि प्रसाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार बादल गर्मी से तपते मुरझाए वृक्ष को वर्षा प्रदान करके नया जीवन प्रदान करते हैं, उसी प्रकार भारतवासी भी करुणामय। उनके अंदर भले ही कितने भी दुख हों, लेकिन वो बाहर से आए लोगों का दुख सुनकर उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं, उन्हें सहारा देते हैं और उन्हें आशा की किरणें दिखाते हैं। यहाँ विश्व समुद्र की थकी सारी लहरें भी किनारे में आकर शांत हो जाती है। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती दुलकाते सुख मेरे, मंदिर ऊँघते रहते जब जकर रजनी भरे तारा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि मानो उषा रूपी पनिहारी सौन कलश में सुख समृद्धि रूप जल को भरकर भारत भूमि पर लुभरा रही है। अर्थात प्रातःकालीन भारतवासी सुख समृद्धि से भरपूर दिखाई पड़ते हैं और रात भर जागने के कारण तारे भी नींद की खुमारी में मस्त रहते हैं, पर अब वो छिपने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि अब उजाला होने वाला है।